सर दो टिकट वैष्णो देवी की डायरेक्ट कटरा वाली स्लीपर में वेटिंग है भाई साहब। अरे एक बार कंप्यूटर पर मैं तो देख के बताइए। अरे देख के बता रहे हैं, नवरात्रि का समय है, किसी ट्रेन में जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। कितनी वेटिंग है कितनी? तुम मान क्यों नहीं रहे हो यार, इस बार नहीं आया माता का बुलावा तुमको। चलो हटो। अरे आया है बुलावा। कैसे पता तुमको, वो चिट्ठी आई है क्या? अरे नहीं भैया, स्वयं देवी आई है, वो भी जुड़वा। 4 साल से मन्नत मांग रहे थे, अब जाके माता की कृपा हुई हम पे। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है, बधाई हो आपको भाई साहब। अब तो भैया सोनी मोनी 1 साल की हो गई है, हमने मन्नत मांगी थी कि साल भर की होंगी तो माता के दर्शन करा लाएंगे। और संजोग देखिए, अष्टमी के दिन ही जन्मदिन भी है उनका। चलो बुलावा आया है, बात तो सही कह रहे हैं आप। हम भी पता है 9 दिन का उपवास रखे हैं, सुबह साबूदाना खिचड़ी खाए हैं, चाय पी के आए हैं, अभी आलू भुजवा के मूंगफली के साथ लाए हैं, अनार का जूस भी पिएंगे। तो भैया आप हमको ये सब काहे बता रहे हैं? तो आप हमें ये सब क्यों बता रहे हैं, इससे क्या आपकी टिकट मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। मन्नत पूरे होने के बाद भी दर्शन तो ना गए तो कहीं हमारी बच्चों कुछ हो ना जाए। भैया कोई नवरात्र की स्पेशल ट्रेन नहीं चली है क्या? बहुत जिद्दी आदमी हो यार। हाँ एक कटरा स्पेशल है, इसमें 2 सीट खाली है लेकिन एसी 2 टीयर, 5700 की टिकट पड़ेगी तुम्हें। 57,000 भैया कुल मिला के 6-7 हजार रुपया ही है। टिकट ले लेंगे तो फिर जो है वहां रहेंगे खाएंगे कैसे? इसीलिए नहीं बता रहे थे तुमको, आप तो हमको सकल से ही गरीब समझ लिए भैया। अरे ऐसा नहीं है भाई साहब। अच्छा भैया अगर हम 1 टिकट ले एसी वाली तो कितने की पड़ेगी? 2850। तो भैया एक वो कर दीजिए, हमारी बीवी बच्चियों को लेके एसी से निकल जाएगी। और तुम? हम तो भैया जंगल में घुस के आ जाएंगे, वो स्टेशन रुकेगी तो हम चाय पानी दूध पहुंचा दिया करेंगे, वैसे भी स्पेशल ट्रेन तो काफी रुकती भी तो है। पिता बहुत अच्छे हैं भाई साहब, अगर आप जैसा पिता हर बेटी को मिले ना तो उन्हें उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब भैया जो खुद ही दुर्गा का रूप है उसको भला कौन ही रोकेगा। जय माता जी, सही कह रहे हैं आप ये तो। अरे हम भी कल अपनी वाइफ के साथ वैष्णो देवी जा रहे थे, अब कल जो है हमारी वाइफ बाथरूम में फिसल के गिर गई और उनके टांग में फ्रैक्चर आ गया है। 1 मिनट भैया, अब हमने इनकी कहानी सुन ली तो ऐसा नहीं हम सबकी कहानी सुनेंगे, हर आदमी को प्रेमचंद बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है चलिए टिकट कराइए आप लोग। अरे नहीं नहीं, हम तो अपनी टिकट कैंसिल कराने ही आए थे। आप एक काम करिए, आप हमारी टिकट पर चले जाइए। सही में भैया? हाँ। अरे ऐसे कैसे आप चले जाएंगे, आईडी लगती है टिकट पे। तो मतलब हम नहीं जा सकते भैया? जा सकते हैं आप, आपको तो स्वयं माता ने टिकट भेजा है, तो हम कौन होते हैं आपको रोकने वाले। जय माता जी बोलिए और निकल जाइए वैष्णो देवी। थैंक यू सर।